पाकिस्तान की बड़ी अच्छी तस्वीर देना चाहते हैं कि कोई इन्वेस्टर आए और यहां आकर खड़ा हो। 10 दिन के अखबार उठा लिए, 10 दिन। पाकिस्तान के आईन में अहमदियों को गैर मुस्लिम करार दे दिया गया। इट इज पास्ट एंड क्लोज ट्रांजेक्शन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत पर ईमान रखने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। हम सब मुसलमानों का ईमान है और हमारा ईमान कामिल नहीं जब तक ये ना हो, ठीक है। लेकिन कुछ हैं ऐसे जिनको खुदा ने हिदायत नहीं दी, जो उनका मजहब है, अब क्या करें, मार दें उनको, टैंकों के आगे खड़ा कर दें। 10 दिन में पुलिस घुसी है कराची में और पंजाब में उनके घरों में। फिर हमने क्या किया, हमने कुर्बानी का गोश्त नमल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में एक डिफरेंटली एबल्ड हिंदू तालिबे इल्म को खिलाया। फिर हमने क्या किया, हमने सवात में नाम निहाद इल्जाम लगाया तौहीन का और मार दिया एक और मुसलमान को। उससे पहले हमने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में किया, कभी गोजरा में किया, कभी कराची की क्रिश्चियन बस्तियों में किया, और कोई सजाएं नहीं मिल रही उनको। और हम ये चाहते हैं कि वो इन्वेस्टर यहां पर आए, जो गलती से अगर मुसलमान नहीं हो, मुसलमान भी हुआ, किसी से लेन देन का तनाजा हुआ और मैंने झूठी कसम खा के किसी ने भी उस पर इल्जाम लगा दिया, तौहीन का जला देंगे लोग। इस तरीके से तो नहीं होगी इन्वेस्टमेंट, इस तरीके से तो मईशत बहाल नहीं हो सकती। इसलिए हम सबको इस इफरीत से निमटने के लिए ये लिप सर्विस बंद करके काम करना होगा इन इंतहा पसंदों के खिलाफ, हा वो किसी भी एक्सट्रीम के हों। जनाबे वाला, वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान का निसाब दुरुस्त तरीके से पढ़ाना शुरू करें। बताएं कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना कौन थे, बताएं उनकी पहली काबीना कौन थी, बताएं उनकी पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का को चेयर कौन कर रहा था, बताएं कि पाकिस्तान के लिए किसकी कितनी कुर्बानियां हैं, बताएं कि जो बाद में पाकिस्तान के चाचे मामे बन रहे हैं कि किस तरीके से आप पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए ज्यादतियां कर रहे हैं और दीन इस्लाम को आप बदनाम कर रहे हैं।